बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह मूर्तिकला से बेहद प्रेम करता था। वह इतना ज्यादा पारंगत हो गया था कि वो जो भी मूर्ति बनाता था वो जीवंत प्रतीत होती थी। हर कोई उसकी कला की प्रशंसा करता था। उसके चर्चे दूर दूर तक थे। अपनी इतनी प्रसिद्धि देखकर उस मूर्तिकार में अहंकार आ गया। इस भावना में वह खुद को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा था। उम्र बढ़ती गई और जब उसका आखिरी समय पास आ गया तो उसे लगा कि मैं अपनी कला में इतना पारंगत हूं, मैं चाहूं तो मृत्यु को भी धोखा दे सकता हूं। अंत में उसे एक उपाय सूझा। उसने अपनी बेमिसाल मूर्ति कला का प्रदर्शन करते हुए 10 ऐसी मूर्तियों का निर्माण किया जो देखने में एकदम उसके जैसी थी। मूर्तियां देखने में इतनी जीवंत प्रतीत हो रही थी कि कोई ये कह नहीं सकता था कि मूर्तिकार कौन है और मूर्ति कौन सी है। जब मृत्यु का समय आया तो मूर्तिकार उन मूर्तियों के बीच में जाकर अचल होकर बैठ गया। उनमें से मूर्तिकार को पहचानना मुश्किल था। यमदूत उसके प्राण लेने के लिए पहुंचे, लेकिन वो 11 एक जैसी मूर्तियों को देखकर अचंभित रह गए। यमदूत उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ थे, लेकिन उन्हें ये पता था कि मूर्तिकार इन्हीं मूर्तियों के बीच में छिपा हुआ बैठा है। पर उसके प्राण लेने के लिए मूर्तिकार की पहचान करनी आवश्यक थी, क्योंकि नियमों के अनुसार मूर्तिकार का अंतिम समय आ चुका था। ऐसे में यमदूतों ने एक तोड़ निकाला। उन्हें यह पता था कि मूर्तिकार बहुत अहंकारी है, इसलिए उसके अहंकार पर चोट करनी चाहिए, शायद सच्चाई का पता लग जाए। यमदूत ने मूर्तियों को देखकर कहा कि ये सभी मूर्तियां कला और सौंदर्य का अद्भुत संगम है। लेकिन मूर्तिकार ने एक गलती कर दी। अगर वो यहां होता तो मैं उसे बता देता कि कहां गलती हुई है। इतने में मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उसने झट से कहा, गलती? असंभव। मेरी बनाई मूर्तियां सदा त्रुटिहीन होती हैं। यमदूत की चाल कामयाब हो गई और उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया। यमदूत कहने लगा कि मूर्तियां बोला नहीं करती, यही तुम्हारी गलती है। जिसमें अहंकार होता है उसे शत्रुओं की आवश्यकता नहीं होती।